दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सीडी सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्नो ट्यूब ट्यूटोरियल्स में। और हमारा आज का टॉपिक है एनालॉग कैमरा विद इनबिल्ट माइक। जी हां दोस्तों, ये एनालॉग कैमरा है और इसमें इनबिल्ट माइक भी दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। और ये एनालॉग कैमरा है, साथ ही साथ आप इसको HD, HDTVI, HDCVI और एनालॉग इस सिग्नल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मल कैमरे में दो ही पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है, जो कि नॉर्मल पावर के लिए हो गया, वीडियो के लिए हो गया, और जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वो सिग्नल कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल कैमरे में 2 पॉइंट आपने देखा होगा, एक तो BNC होता है, जो कि BNC से BNC कनेक्ट करके और हम DVR को वीडियो इनपुट दे देते हैं, और दूसरा जो पॉइंट होता है DC 12 वोल्ट के लिए होता है, जिस DC 12 वोल्ट पे हम पावर देते हैं कैमरे को। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, माइक को भी इंडिकेट किया गया है, मींस इस कैमरे में माइक भी है। और दूसरा एक पॉइंट अलग से दिया हुआ है, कन्वर्टर पॉइंट, मींस इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करके रखते हैं 10 सेकंड के लिए तो आपके कैमरे का सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा। मींस यदि वो एनालॉग है तो HD हो जाएगा, यदि वो HD है तो CVI, और इसी तरीके से HDTVI में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम DVR की बात करते हैं। देखिए DVR हमारा 16 चैनल का है, इसमें 16 वीडियो इनपुट पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑडियो इनपुट पॉइंट दिए हुए हैं और 1 ऑडियो आउटपुट पॉइंट दिया हुआ है। तो इस DVR में हम 4 अलग से ऑडियो भी कनेक्ट कर सकते हैं और 16 वीडियो कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमारा कैमरा इनबिल्ट ऑडियो वाला है तो 16 के 16 चैनल पे आप कैमरे को कनेक्ट करके ऑडियो ले सकते हैं। अब हम सेटिंग के बारे में बात करेंगे। इस DVR का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये फीचर सभी DVR में आपको नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर कुछ ही मॉडल है, तो उसमें से एक मॉडल ये रहा आपको, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इस DVR में माइक का फीचर दिया हुआ है, मींस इनबिल्ट माइक वाला कैमरा आप इसमें लगा सकते हैं। अब हम इसकी सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग आपको करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना है, रिकॉर्ड ऑप्शन में जाना है और पैरामीटर्स में देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है ऑडियो सोर्स। ऑडियो सोर्स में देखिए ऑटो है, लोकल है और कैमरा है, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो यदि आपने उस चैनल पे ऑडियो इनपुट दिया हुआ है DVR के थ्रू, तो यहाँ पे आपको लोकल कनेक्ट करना है, और यदि आपने उस कैमरे को इनबिल्ट माइक वाला कैमरा उस चैनल पे कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आपको सोर्स में कैमरा देना है, मींस कैमरे के थ्रू ऑडियो आपको मिलने वाला है। और यदि आपको डिफाइन नहीं है कि आप किस तरीके से ऑडियो देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही बात आपको ऑडियो सोर्स सेलेक्शन की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, या आपने ऑडियो सोर्स कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद आप बात आती है कि यदि आप अलग से देना चाहें तो आप अलग से भी ऑडियो सोर्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसा इंडिकेट किया गया है। और साथ ही साथ आपको ऑडियो आउटपुट लेने के लिए एक स्पीकर लगाना पड़ता है, जो कि ऑडियो आउटपुट सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, और बताइएगा कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।